हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माउथ वॉशेस आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज अल्कोहलिक सोल्यूशंस, ओरल क्लींजर्स, लिक्विड डेंटिफ्रिसेस, माउथ सोल्यूशंस। क्या बोला जाता है माउथ वॉशेस को? तो ये ओरोफेरिंगियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ओरोफेरिंगियल सॉल्यूशंस, जिन्हें यूज किया जाता है हेलिटोसिस में। हेलिटोसिस क्या है? तो ये बैड ब्रीथ होता है ना, तो क्या बोला जाएगा इनको? ओरल क्लींजर्स, ऑप्शन बी। इन्हें ओरल क्लींजर्स बोला जाता है, ओरल रिंस बोला जाता है, देन माउथ रिंस, देन माउथ बाथ, माउथ बाथ। ठीक है, लैटिन टर्म क्या होती है माउथ वॉश के लिए? तो कोलुटोरियम, कोलुटोरियम। देन एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश कौन सा होता है? एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट होता है एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोसेज फॉर्म फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन? सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल, टॉपिकल, बोथ सबक्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल। डोसेज फॉर्म फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन, तो अंडर द स्किन सबक्यूटानियस हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें इंजेक्शंस आर गिवन इन टू द लेयर ऑफ द स्किन बिलो डर्मिस एंड इपीडर्मिस। देन हाइपोडर्मोक्लाइसिस, हाइपोडर्मोक्लाइसिस रेफर्स टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये भी होता है सबक्यूटानियस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन बाय सबक्यूटानियस रूट? तो ये होता है 2 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट 79.87% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट में? तो अल्कोहल की कितनी स्ट्रेंथ होती है 100% प्रूफ स्पिरिट? तो 51.1% अल्कोहल स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, एंड 51.1 से कम होता है अंडर प्रूफ, एंड 51.1 से ज़्यादा होता है ओवर प्रूफ। तो अगर स्ट्रेंथ दिया है एंड प्रूफ स्पिरिट पूछा है तो स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1.753 से। स्ट्रेंथ कितना है? 79.87, एंड इसका जो आंसर आता है उसमें से 100 माइनस कर दो। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये होगा ओवर प्रूफ स्पिरिट, अगर नेगेटिव आता है तो अंडर प्रूफ। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 है, 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 150, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 80 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 140, अप्रोक्सीमेटली 140 आ जाएगा। एंड अगर 140 में से 100 को माइनस कर दिया जाए तो आपका वैल्यू आएगा 40, पॉजिटिव वैल्यू है सो ओवर प्रूफ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 40 डिग्री ओवर प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंटेनर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेमिनेशन एज वेल एज फ्रॉम लॉस ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग यूज आर कॉल्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, मल्टीपल डोज कंटेनर। तो कंटेमिनेशन एज वेल एज लॉस ऑफ कंटेंट दिया है तो इसके लिए होते हैं आपके वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एयर टाइट कंटेनर किसके लिए यूज करते हैं? तो एटमोस्फेयर से बचाने के लिए यूज करते हैं। देन लाइट रेजिस्टेंट, तो सनलाइट से बचाने के लिए यूज करते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर का, ये होते हैं एम्बर ग्लास कंटेनर्स। देन मल्टीपल डोसेज के लिए यूज करते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कंटेनर्स आर जनरली मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टेरिन, ऑल ऑफ द अबव। तो प्लास्टिक कंटेनर्स को बनाने के लिए इन सबका यूज करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पॉलीस्टेरिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथिलीन। एंड प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के लिए एंड आईवी बैग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन, सस्पेंशन, जिलेटिन कैप्सूल, टैबलेट। किसमें होती है मोस्ट रैपिड बायो अवेलेबिलिटी? तो ये होती है व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल इज। कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी 95% अल्कोहल की टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल? तो
तो इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, 500 ml, परसेंटेज रिक्वायर्ड 20%, वॉल्यूम रिक्वायर्ड 500 ml, परसेंटेज रिक्वायर्ड 20%, देन वॉल्यूम यूज्ड वॉल्यूम है 95%। तो क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंट यूज। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 500, परसेंटेज रिक्वायर्ड 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूज्ड, ये परसेंट यूज है 95%, कितना दिया है 95% यूज। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 10,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 95 होता है अप्रोक्सीमेटली 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 होता है 100, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 95 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 105। इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 105 एज यूर आंसर। कौन से ऑप्शन में है अप्रोक्सीमेटली 105, तो ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 105 ml क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल। ठीक है, एलिगेशन मेथड से हमने इसे सॉल्व किया। वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल आर हीट ट्रांसपेरेंसी, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, करोजन ड्यू टू अल्कली सोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, क्या होते हैं ग्लास के मेजर डिसएडवांटेजेस एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तो हीट ट्रांसपेरेंसी, तो ग्लास हीट एब्जॉर्बेंट होता है सो ये डिसएडवांटेज है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट तो ग्लास ब्रेकेबल होते हैं तो ये भी हो जाएगा, करोजन ड्यू टू अल्कली सोल्यूशन, तो अगर हाईली बेसिक सोल्यूशन है तो ग्लास कंटेनर डैमेज हो जाएगा सो ये भी डिसएडवांटेजेस में आएगा, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सभी है मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू बी मेड फॉर इंट्रोडक्शन इन टू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज, डाउचेस, ड्रॉट, गार्गल, थ्रोट पेंट, इंटेंडेड टू बी मेड फॉर इंट्रोडक्शन इन टू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज। तो डाउचेस क्या होते हैं, तो डाउचेस होता है ए डिवाइस कंटेनिंग वाटर जिसे यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज ऑफ वजाइना। डाउचेस आर मेंट फॉर द इंट्रोडक्शन इन टू द वजाइना फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रॉट क्या होता है, तो ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज होता है ड्रॉट, इसका लैटिन टर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है तो हॉस्टस, हॉस्टस। ठीक है, देन गार्गल क्या है, तो एक्वस सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट सोर थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं गार्गल का। देन थ्रोट पेंट, तो ये विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है, इसे यूज करते हैं फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, इसे टॉन्सिलाइटिस में यूज करते हैं, टॉन्सिलाइटिस में यूज करते हैं, देन फेरिंजाइटिस में यूज करते हैं, फेरिंजाइटिस में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग इज टॉक्सिक, FDA अप्रूव्ड, रिएक्टिव टू द प्रोडक्ट, कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन। द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग, तो पैकेजिंग टॉक्सिक होना चाहिए क्या, तो इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, पैकेजिंग मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। देन FDA अप्रूव्ड, तो पैकेजिंग मस्ट बी FDA अप्रूव्ड, ये होना चाहिए। रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट, तो पैकेजिंग मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए ना। देन कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, तो इट मस्ट नॉट बी ए कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, इसने प्रोडक्ट डिग्रेडेशन नहीं करना चाहिए, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमोजेल, सब्स्टिट्यूटेड HPMC फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, मॉडिफाइड MCC फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है प्राइमोजेल, तो प्राइमोजेल मॉडिफाइड स्टार्च होता है ना, डिसइंटीग्रेटर होता है, कौन से ऑप्शन में है, तो मॉडिफाइड स्टार्च, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर डिसइंटीग्रेशन, ये होता है प्राइमोजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स, AUC रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ऑल ऑफ देम। किसे रिप्रेजेंट कराता है AUC, एरिया अंडर कर्व, तो ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स लोशन पेस्ट एलिक्जर मैग्मा. ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स. तो थिक विस्कस फॉर्मुलेशन होता है मैग्मा, ऑप्शन डी. ये मैग्मा होता है थिक विस्कस सस्पेंशन. देन लोशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन. विदाउट फ्रिक्शन होता है ना लोशन, विथ फ्रिक्शन होता है लिनिमेंट. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. देन पेस्ट क्या होता है? तो पेस्ट कंटेंट्स हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स. व्हाट इज एलिक्जर? तो एक क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटन्ड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है फॉर ओरल यूज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बोरोसिलिकेट ग्लासेस टाइप 1, 2, 3 और 4. क्या होता है बोरोसिलिकेट ग्लास? तो ये टाइप 1 ग्लास होता है ना, ऑप्शन ए. टाइप 1 ग्लास होता है बोरोसिलिकेट ग्लास. टाइप 2 क्या होता है? तो ये होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. टाइप 3 तो ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास होता है. टाइप 4 तो ये नॉन पेरेंटल और जनरल पर्पज़ ग्लास होता है. टैबलेट्स एंड ओरल लिक्विड्स के लिए इसे यूज करते हैं. टाइप 3 का यूज़ किस में करते हैं? तो ड्राई पाउडर्स एंड ऑयली सॉल्यूशंस में यूज करते हैं इसका, इससे बने हुए कंटेनर्स का. देन बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 जो ग्लास होती है इसका यूज किस में करते हैं? तो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास. इन्हें यूज करते हैं बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ. तो अभी ऑप्शन सी मत देखो. विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ. तो विस्कस क्या होता है? लिंक्टस होता है ना. विस्कस कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिंक्टसेस होते हैं विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ. इन्हें विदाउट डायल्यूशन दिया जाता है. कोडेन लिंक्टस होता है ना, कोडेन लिंक्टस. देन कंपाउंड टोलू लिंक्टस होता है, कंपाउंड टोलू लिंक्टस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कोल्ड क्रीम इज विच टाइप ऑफ इमल्शन? तो कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये कोल्ड क्रीम आता है आपके कॉस्मेटिक्स इमल्शंस में. कॉस्मेटिक इमल्शन होता है. और क्या आएगा कॉस्मेटिक इमल्शन में? तो वैनिशिंग क्रीम आता है ना, वैनिशिंग क्रीम. ये कौन से टाइप में आता है? तो ये होता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. ठीक है, कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल टाइप, वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर टाइप. देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था बीजवैक्स बोरेक्स क्रीम इज द सिनोनिम ऑफ. इसका सिनोनिम होता है बीजवैक्स बोरेक्स क्रीम. तो ये होता है कोल्ड क्रीम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर इज 44, 85, 22, 120. ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर, तो हमने पाउडर्स के ग्रेड में देखा था ना, कोर्स पाउडर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, देन वेरी फाइन 120. क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेरी फाइन, तो वेरी फाइन 120. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चरर इज डाइल्यूएंट एड्सॉर्बेंट डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट बाइंडिंग एजेंट. द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चरर. तो सेल्यूटैब क्या होता है? तो डाइल्यूएंट होता है ना, ऑप्शन है. डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? तो ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं. द सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट होता है डाइल्यूएंट. मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट कौन सा है? तो लैक्टोज होता है ना. देन एड्सॉर्बेंट में क्या आएगा? तो लाइट कैओलिन होता है, लाइट कैओलिन. देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट्स. देन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट स्टार्च होता है. देन माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता है. बाइंडिंग एजेंट्स अकेशिया जिलेटिन पीवीपी देन ट्रगाकांत, ये होते हैं बाइंडर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम इज कुल्टर काउंटर माइक्रोस्कोप हेम्पेल ब्यूरेट हेलियम डेंसिटोमीटर. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम, तो पार्टिकल वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं कुल्टर काउंटर का, ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडा ऐश इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट प्योर सिलिका लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट. सोडा ऐश क्या बोला जाता है इसे? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए. ग्लास के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं इसका. देन प्योर सिलिका क्या है? तो ये SiO2 होता है ना, प्योर सिलिका. देन लाइमस्टोन,
तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यही होता है लाइमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो अभी ऑप्शन ही नहीं देखने हैं, अप्लाई टू द स्किन विथ फ्रिक्शन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था किसे अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली विथ फ्रिक्शन और रबिंग, तो ये हमने लिनिमेंट्स के बारे में देखा था ना, लिनिमेंट्स। ये लिनिमेंट्स होते हैं अल्कोहलिक एंड ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इन्हें यूज करते हैं बाय रफिंग ऑन टू द एफेक्टेड एरिया। ठीक है, सो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन सम पेरेंटल सॉल्यूशंस एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबिलाइजर। क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल, तो ये प्रिजर्वेटिव होता है ना, ऑप्शन सी। किस लिए ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को, तो इन्हें ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, तो इन्हें ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग, लेसिथिन, देन सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, देन गैलिक एसिड, ये सब होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, पेस्ट, क्रीम, लोशन, जेलीज। तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, तो अगर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट आया तो जेलीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये लोशंस, क्रीम्स, पेस्ट, ये सभी सेमी सॉल्यूड्स होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नहीं होते। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है आपका जेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग मिथाइल सेल्यूलोज इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस इज, टू इंक्रीज ड्रॉप साइज, टू डिक्रीज ड्रॉप साइज, टू डिक्रीज टीयरिंग, टू इंक्रीज ऑक्युलर कॉन्टैक्ट टाइम। क्यों ऐड किया जाता है मिथाइल सेल्यूलोज को ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, तो क्या होता है मिथाइल सेल्यूलोज, तो ये विस्कोसिटी इन्हेंसर होता है ना, विस्कोसिटी को एनहेंस कराता है, एंड इसलिए इसे ऐड किया जाता है आई ड्रॉप्स में टू इंक्रीज ऑक्युलर कॉन्टैक्ट टाइम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये विस्कोसिटी एनहेंस कराता है जिससे इंक्रीज होता है ऑक्युलर कॉन्टैक्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल 60 मिनट्स, 3 आवर्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 60 मिनट्स होता है, हार्ड जिलेटिन के लिए कितना होगा, तो 30 मिनट्स होता है। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो 60 मिनट्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये 30 मिनट्स होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो ये होता है 21 to 24 degrees Celsius। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो ये होता है 0.8:1। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए कितना होगा, 0.4:1। देन ये 3 आवर्स किसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है, तो इंटरिकोटेड टैबलेट के लिए होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 आवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल रिक्वायर टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल, 80% अल्कोहल का कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल, तो इसे भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना दिया है 1 लीटर, 1 लीटर को हम 1000 ml भी लिख सकते हैं ना। देन परसेंटेज रिक्वायर्ड कितना है, परसेंटेज रिक्वायर्ड 50%। देन परसेंटेज यूज कितना है, तो 80%। फॉर्मूला क्या था, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 1000, परसेंटेज रिक्वायर्ड तो 50 डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड 80, क्या आएगा, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 80, 5000 डिवाइडेड बाय 8, 8 ones are 8, 8 6s are 48, 50 minus 48 2 20, 8 2s are 16, 20 minus 16 4 4 0 40, 8 5s are 40, 625 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 625 ml of 80% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection? 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml. Usual maximum volume allowed as a parenteral package for bacteriostatic water for injection. तो ये 30 ml होता है ना? Option C will be your correct answer. Next question. Which of the following is a type of inhalational dosage form? तो क्या देखा था हमने inhalational dosage forms में? तो aerosols आते हैं क्या? तो ये आएंगे. Nebulizer भी आता है. Tablet किस में आएगा? तो ये oral dosage form में आता है ना? So option D हो जाएगा आपका correct answer. Both A and B. Nebulizer and aerosols. ये होते हैं inhalational dosage forms. ये aerosol हमने देखा था ना? Suspension of fine solid और liquid particles in gas होता है aerosol. Next question. कैपेसिटी ऑफ हार्ड कैप्सूल साइज जीरो इज. तो जल्दी से एक बार मेरे साथ कैप्सूल साइज रिवाइज कर लो. तो 000 कैप्सूल होता है लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल. कैपेसिटी कितनी होती है? 950 mg. देन आता है 00 कैपेसिटी, तो 650 mg. देन आएगा 0 कैपेसिटी होती है 450 mg. देन आएगा 1 कैपेसिटी 300 mg. देन नेक्स्ट आता है 2 कैपेसिटी 250 mg. देन नंबर 3 कैपेसिटी 200 mg. 4 नंबर कैपेसिटी 150 mg. देन 5 नंबर कैपेसिटी 100 mg. एंड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 5. नंबर 5 होता है स्मॉलेस्ट साइज, कैपेसिटी होती है 100 mg. एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 000, कैपेसिटी होती है 950 mg. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? साइज 0 क्या होगा? 450 mg. कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following types of tablet coatings is used to mask the bitter taste of drugs? Enteric sugar coating, deep compression. किसका यूज करेंगे to mask the bitter taste of drugs? तो bitter taste को mask करने के लिए यूज करते हैं sugar coating का. Option B. Sugar coating is done to mask the bitter taste and unpleasant odor of the drug. Disintegration time कितना होता है sugar coated tablet का? तो 60 minutes का होता है ना? Then क्या क्या आता है sugar coating में? तो इसमें आता है सील कोटिंग, देन आता है सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग आता है, फिनिशिंग आता है, देन पॉलिशिंग आता है. इसमें सील कोटिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन, इसमें यूज करेंगे शेलैक का. देन सब कोटिंग इज डन टू इंक्रीज टैबलेट साइज एंड बल्क ऑफ द टैबलेट, इसमें यूज करते हैं अकेशिया का, जिलेटिन का. देन सिरप कोटिंग का यूज करते हैं टू कवर रफनेस, रफनेस को कवर करने के लिए यूज करते हैं सिरप कोटिंग का. कलरेंट्स को ऐड किया जाता है सिरप कोटिंग में. देन आता है फिनिशिंग एंड लास्ट में आता है पॉलिशिंग. पॉलिशिंग पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीजवैक्स का, ये होता है पॉलिशिंग एजेंट. शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स, ठीक है. देन इंटेरिक कोटिंग किस लिए करते हैं? तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मीन टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन. एंड इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट. डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 hours, ठीक है. तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.